हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। उधर कांग्रेस अध्यक्ष वैसे तो प्रेस वार्ता कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन जनता के दर्द को बयां करते करते उनका अपना दर्द भी छलक उठा। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले सोनीपत के राई से कांग्रेस के विधायक जयतीरथ धैया ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के व्यवहार से नाखुश हैं। उन्होंने तंवर पर दिल्ली में हुई बैठक के बाद गाली देने का आरोप लगाया है, यानी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से तकरार की स्थिति साफ हो चुकी है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि इस पर अशोक तंवर का दर्द भी छलका और कहा कि मेरे तो लठ लगे थे। कांग्रेस सबकी सुनवाई करती है, जब समय उपयुक्त आता है सबकी सुनवाई होती है, कोई उसके आज तो देखो सब लोग है, हमारे तो लठ से मारा, मैं कितना हाथ दूंगा, मेरे सैकड़ों साथी कितने हाथ होंगे उसके। अब ये मामले मैं नहीं समझता पार्टी के अंदर ये। गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें वो बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले चुनाव में उनके संकल्प पत्र में जो कहते थे हमारा संकल्प है, अब समय आ गया, केवल एक महीना डेढ़ महीना बचा है, आज अगस्त शुरू हो गया, सितंबर के फर्स्ट वीक में कभी भी आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। क्या वो प्रदेश की जनता को ये बताएं कि कितने वायदे उन्होंने किए थे, कितने पूरे किए, मुख्यमंत्री जी ने कितनी घोषणाएं की थी उनमें से कितनी पूरी की, तो ये सारी चीजें। ये अब दोबारा फिर एक लोगों के बीच में जाकर के और उनको गुमराह करना कि हम आपके माध्यम से ये घोषणा पत्र तैयार करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि पूरा एक चुनावी स्टंट के अलावा कोई और मामला नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर हमला बोलते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि सरकार रोजगार के दावे कर रही है, लेकिन श्वेता बेरोजगारी पर युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रही है और वो कई आंकड़ों के साथ ये मुद्दा रखेंगी। जो ट्रिब्यूनल का गठन है वो न्यायपालिका की, अभी चंडीगढ़ और हमारा हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट है, उसके सभी जो हमारे वकील साथी हैं वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर जो हमला बोला है उसको बचाने के लिए बैठे हुए, हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी का उनको समर्थन है। और ये कहीं ना कहीं जो ट्रिब्यूनल बनाने की बात है, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियों में घोटाले किए, यानी दर्द सबके दिल में है, ठेस सभी को पहुंची है, अब इस घाव पर मरहम कौन लगाएगा देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।